दोस्तों, वर्धमान नामक एक नगर में रूपसेन नाम का एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए। तब उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? तब उसने कहा, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी राजा ने सोचा, जरूर कोई कारण होगा, और उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडार से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता, और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे पत्नी और बच्चों को खिलाता, फिर खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वो हाजिर हो जाता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वो झट से आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और आखिर क्यों। वीरवर तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर उसने देखा कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलते। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रो इसलिए रही हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? तब उस स्त्री ने कहा, हाँ है। यहाँ से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है, फिर राजा 100 बरस तक राज्य करेगा। वीरवर घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर उसे सब कुछ बता दिया। पत्नी ने बेटे को जगाया तब बेटी भी जाग गई। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। वीरवर ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम बताओ। तब पत्नी बोली, पत्नी का धर्म पति की सेवा करने में है। तब वो चारों देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि तुम्हें देता हूँ, मेरे राजा को 100 बरस की उम्र देना। इतना कहकर उसने इतनी जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट ली। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं भी जीकर क्या करूँगा, उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चले गई। वह सोचने लगा कि ऐसे राज करने का धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। राजा ने कहा, देवी, अगर तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, विक्रम, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? विक्रम बोला, सबसे ज्यादा पुण्य उस राजा का हुआ। तब बेताल ने पूछा कि क्यों? विक्रम ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। विक्रम दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बेताल ने अगली कहानी सुनाई। वो अगली कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे।